दुनिया में इस वक्त जितनी भी टकराव और लड़ाइयाँ चल रही हैं उनमें से ज़्यादातर में क्रूड ऑयल उत्पादक देशों और इन देशों का इस्तेमाल कर रही बड़े देशों के पदचिन्ह मिलेंगे। क्रूड ऑयल के पैसे से आतंकवाद का भी कनेक्शन सामने आया है। दरअसल ऊर्जा के इस बड़े स्रोत की कहानी लगभग 6 दशक पुरानी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर गुप्ता, अपने यूट्यूब चैनल धांसू फंडा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय को लगभग 3 भागों में बांटा जा सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1960 से, जब क्रूड ऑयल के 5 बड़े उत्पादक देश सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और वेनेजुएला ने मिलकर ओपेक नामक एक संगठन बनाया। इस संगठन का उद्देश्य ऑयल की सप्लाई और प्राइस कंट्रोल के लिए था। पहले यह संगठन तेल का भुगतान सोने के भाव के हिसाब से करता था, लेकिन 1970 में एक समझौते के बाद क्रूड ऑयल का भुगतान US डॉलर में करना निश्चित हुआ। इस समझौते में ओपेक और नॉन ओपेक सारे तेल उत्पादक देश शामिल थे। इस व्यवस्था से होने वाली कमाई को पेट्रो डॉलर टर्म से परिभाषित किया गया। वेनेजुएला को छोड़कर ओपेक के सारे देश अमेरिकी सुरक्षा घेरे में आ गए। उनकी विदेश नीति USA में बनती रही। सऊदी अरब और कुवैत में अमेरिकी अड्डे स्थापित हो गए। इस कहानी का दूसरा दौर बेहद उथल पुथल भरा और बेहद हिंसात्मक रहा। यह दौर शुरू होता है 80 के दशक के आसपास। 1978 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद वहाँ की प्रो अमेरिकी राजशाही सरकार को उखाड़कर आयतुल्लाह खुमानी के नेतृत्व में कट्टर इस्लामिक सरकार बनी। 1979 में ही इराक के शासन पर सद्दाम हुसैन ने कब्जा जमा लिया। इसके तुरंत बाद ईरान और इराक के बीच युद्ध हो गया। इस युद्ध में अमेरिका ने इराक का साथ दिया, लेकिन बाद में सद्दाम भी अमेरिका विरोधी हो गया। 1990 में उसने कुवैत पर आक्रमण कर वहाँ के तेल कुओं पर कब्जा कर दिया। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाकर सद्दाम को कुवैत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, बायोलॉजिकल हथियार रखने का इल्ज़ाम लगाकर इराक पर दोबारा हमला किया। 2003 में सद्दाम को गिरफ्तार कर 2006 में उसे फांसी दे दी गई। 2011 में एक और तेल उत्पादक देश लीबिया में गद्दाफी के शासन का खात्मा CIA प्रायोजित विद्रोह के बाद हुआ। इस नतीजे में गद्दाफी की हत्या हो गई। कुल मिलाकर अमेरिका ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को हर हाल में सुरक्षित रखा। इस कहानी का तीसरा दौर शुरू हुआ 2015 के बाद से, जब अमेरिका में नई क्रूड ऑयल खनन टेक्नोलॉजी फ्रैंकिंग टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ। अमेरिका क्रूड ऑयल के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। इधर रूस भी एक नए तेल उत्पादक देश के रूप में उभरा। अमेरिका तेल उत्पादन में पहले नंबर पर आ गया, रूस तीसरे नंबर पर और कनाडा चौथे नंबर पर आ गया। यानी कि तेल के खेल का मैदान ही बदल गया। मध्य पूर्व पर अमेरिका की निर्भरता खत्म हो गई, जबकि सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और UAE जैसे देश सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर बने रहे। इस क्षेत्र में उथल पुथल रूस के भी तेल बाजार के प्रसार के अनुकूल था। इस प्रकार क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ने लगी, दाम गिरने लगे। 2015 के बाद क्रूड ऑयल के बाजार में भयानक मंदी छा गई। क्रूड ऑयल के दाम $42 के आसपास आ गए। इससे केवल तेल पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं का ध्वस्त होने का खतरा बढ़ गया। अमेरिका मध्य पूर्व में अपने प्रॉक्सी सरकार और मित्र देश सऊदी अरब, UAE, कुवैत की इकोनॉमी को बचाने के लिए फिर से मैदान में आ गया। पहले तो उसने एक बड़े तेल उत्पादक देश वेनेजुएला को प्रतिबंधित किया। उसके बाद फिर उसने ईरान को तेल आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया। तेल की सप्लाई बाधित होने से फिर से दाम बढ़ गए। लेकिन क्रूड ऑयल पर अगला संकट बिजली और बैटरी चलित वाहनों से आने वाला है। क्रूड ऑयल से जनित ईंधन से प्रदूषण फैलता है और अगले 10 सालों में हाइड्रोकार्बन फ्यूल से चलने वाले वाहनों का हटना तय है। इसका मतलब यही 10 साल बचे हैं तेल के उत्पादन को और इनके भरोसे अपनी अर्थव्यवस्था चलाने वाले देशों के पास। इन देशों को जल्द ही कमाई के नए स्रोत खोजने होंगे। अल्लाह के भरोसे बहुत दिनों तक मौज मार ली इन्होंने। भारत जैसे देशों के पास यही अगले 10 साल बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि इन्हीं खाड़ी देशों में लगभग 80 लाख भारतीय कामगार काम करते हैं, जो कि $40 अरब के बराबर की धनराशि भारत भेजते हैं। अगर खाड़ी के देशों की अर्थव्यवस्था दगमगाती है तो ये सारे लोग भारत लौटेंगे और यहाँ की इकोनॉमी पर बोझ बन जाएंगे। यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि भारत को $40 अरब तो गंवाने ही पड़ेंगे, साथ साथ 80 लाख परिवारों का भी बोझ उठाना पड़ेगा। इस क्षेत्र में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ इन्वेस्टमेंट कर
खाड़ी के देश अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। सऊदी अरब और यूएई तो ऐसा करने को बहुत उत्सुक है। लगता है इस क्षेत्र में एक नई कहानी लिखने जा रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।